तो हेलो मेरे भाई लोग, कैसे हो आप लोग। तो भाई थोड़ा सैड न्यूज निकल कर सामने आया रैंडी ऑर्टन की तरफ से। शायद रैंडी ऑर्टन आरकेओ मूव का बहुत कम यूज करते हुए दिखेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, और शायद वो ना के बराबर यूज करें, पर उसके जगह पर कौन सा मूव यूज करेंगे आइए हम जानते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। और भाई फाइनली डीन एम्ब्रोस हार चुके हैं अपना एडब्ल्यू चैंपियंस बेल्ट एमजीएफ के, तो उसके ऊपर फैंस का की रिएक्शन आइए हम जानेंगे सब कुछ आज की इस वीडियो। और साथ ही साथ ड्रू मैकइंटायर ने फिर से एक इंडियन क्रिकेटर को बहुत ज्यादा अप्रिसिएट किया, वो सब कुछ हम जानते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के वीडियो। उससे पहले अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए तो सारे लोग सब्सक्राइब कर लो भाई। और भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज शाम को रोमन रेंज के ऊपर एक स्पेशल वीडियो आने वाला है जिसको आप लोगों ने डिमांड किया। देखो मैं पहले बताता रहा हूँ, इस वीडियो के अंदर मैं रोमन रेंज का कोई कैरियर वगैरह नहीं डिस्कस करने वाला। इसके अंदर मैं बहुत डिफरेंट टॉपिक करने वाला, जैसे रोमन रेंज अभी तक जो स्टील चैंपियन है क्या अच्छा या फिर बुरा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रोमन रेंज को आखिर क्यों चुना सारे सुपरस्टार में, क्योंकि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को हेडलाइन करे फ्यूचर। तो भाई पिछले बार की तरह ये वीडियो बहुत हटके और बहुत कमाल का वीडियो, तो जो लोग चैनल पर नहीं सब्सक्राइब किए सारे लोग अभी कभी सब्सक्राइब कर लो। आप लोग अच्छा प्यार देखोगे तो आगे भी ऐसे ही वीडियो आपके लिए हमेशा लेते आऊंगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक के बारे में जो कि जुड़ा है हमारे ट्रैवल शिप रोमन रेंज के बारे। तो भाई रोमन रेंज पहले से एडवर्टाइज हो चुके हैं मंडे नाइट रॉ के अंदर आने के लिए, पर हाँ वो मंडे नाइट रॉ इस वाला मंडे नाइट रॉ नहीं होने वाला। एक्चुअल में 24 जनवरी को रॉ के हुए हुए 13 ईयर कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके अंदर रोमन रेंज आने वाला। और हाँ उसमें रोमन रेंज के साथ उनका ब्लड लाइन वगैरह भी आएगा, आई थिंक उसमें अलग ही स्टोरी लाइन शायद रोमन रेंज का चल रहा। नेक्स्ट हमारा स्टोरी जुड़ा है रिया रिपली के बारे में। होता क्या, ट्विटर के ऊपर रिसेंट टाइम एक डब्ल्यूडब्ल्यूई फैन ये ट्वीट करता कि रिया रिपली का पूरा बॉडी वो मैन की तरह दिखता, मतलब वो वुमेन्स की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखता। और अच्छा हुआ कम से कम वो अपना बैक ढक लिया, अगर बैक अपना नहीं ढकी होती तो वो पूरा मैन की तरह। उसके ऊपर रिया रिपली का जवाब वगैरह भी आप पढ़ भी सकते हो चाहे। ऑब्वियस सी बात है अभी रिया रिपली जो है वो हील कैरेक्टर के अंदर है, तो फैंस को गाली वैसे देगी। साथ ही साथ एक और मैं आपको न्यूज बता देता हूँ रिया रिपली के बारे में। रिया रिपली रिसेंट टाइम एक इंटरव्यू के अंदर, वहाँ उन्होंने इंटरव्यू के अंदर ये बोला कि फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वुमेन्स वर्सेस मेन का जो मैच होता है ये फिर से होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो बहुत पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ये चीज हुआ करता था बहुत पहले, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बाद में इसको बैन कर दिया था, पर रिया रिपली फिर से ये मैच करना चाहती और इसीलिए उन्होंने एक और बात बताया कि मैं ज्यादातर मेन सुपरस्टार जो होते हैं मैं उनको टारगेट करती हूं और मेरे अंदर इतना पोटेंशियल भी कि किसी भी मेन सुपरस्टार को मैं मार सकूं या मैच में हरा सकूं। तो आपका क्या कहना है रिया रिपली के बारे में, क्या मैच होना चाहिए फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, अपने कमेंट सेक्शन में सारे लोग जरूर बताइए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अपने ड्रू मैकइंटायर के बारे में। तो रिसेंट टाइम में ड्रू मैकइंटायर ने सूर्य कुमार यादव को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया है ट्विटर पर। देख सकते हो उनका नाम पुकारा स्काई यादव करके, वो बताते हैं कि मतलब कितना अच्छा ये प्लेयर खेलता है। देखो यार मैं बहुत ज्यादा क्रिकेट वगैरह तो देखता नहीं, पर हां जो भी सूर्य कुमार यादव का जो भी फैन होगा कमेंट सेक्शन में सारे लोग जरूर बताइए। वैसे हमारा आज का नेक्स्ट स्टोरी भी ड्रू मैकइंटायर के तरफ से ही जुड़ा हुआ। तो होता क्या है ड्रू मैकइंटायर रिसेंट टाइम में एक इंटरव्यू के अंदर जाते हैं, इस बात को रिवील करते हैं कि मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सारा चैंपियंस बेल्ट जीत चुका हूं करीब करीब, जो मुझे अब यूएस चैंपियनशिप बेल्ट चाहिए, मैं यूएस चैंपियनशिप अपने लाइफ में एक बार भी नहीं जीता, जो मुझे यूएस चैंपियनशिप बेल्ट चाहिए जो कि सेथ रॉलिंस के पास। तो क्या आप लोग ड्रू मैकइंटायर वर्सेस सेथ रॉलिंस का फ्यूड फिर से देखना चाहते हो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, कमेंट सेक्शन में सारे लोग जरूर बताइए। अब चलिए थोड़ा सा मैं अपना बात कर लेता हूं, मेरे अकॉर्डिंग क्या ये मैच होना चाहिए या फिर। तो भाई देखो भाई बात बहुत सिंपल है, सेथ रॉलिंस के हाथ में पूरे 3 साल बाद चैंपियनशिप बेल्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने दी, और अभी अगर सेथ रॉलिंस के हाथ से अगर चैंपियनशिप बेल्ट ले लेगी डब्ल्यूडब्ल्यूई, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस बहुत ज्यादा भड़कने वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई। हां जैसा कि मैंने बात किया था रेसलमेनिया वाला वीडियो में, अगर सेथ रॉलिंस का फ्यूड अगर रोमन रेंज के साथ करवाने वाले इसके बाद, तो अगर लेगी तो ये अच्छा, मतलब आप ऐसा समझ सकते हो ड्रू मैकइंटायर सेथ रॉलिंस से चैंपियनशिप बेल्ट जीत जाए, उसके बाद सेथ रॉलिंस चले जाए रोमन रेंज को चैलेंज, और फिर हमें रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच देखने को मिले रॉयल रंबल के अंदर या फिर उसके बाद। वैसे क्या आप लोग रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच देखना चाहते हो या फिर रोमन रेंज वर्सेस ड्रू मैकइंटायर का, कमेंट सेक्शन में सारे लोग जरूर बताइएगा। हमारा नेक्स्ट स्टोरी जुड़ा हमारे डीन एम्ब्रोस या फिर जॉन मॉक्सली के बारे में। तो भाई बहुत सैड न्यूज निकल कर सामने आया, डीन एम्ब्रोस अब एडब्ल्यू चैंपियन नहीं रहे, एमजेएफ उनके हाथ से चैंपियंस बेल्ट ले ली, और इस पर अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस बहुत ज्यादा गुस्सा है, पर हां एमजेएफ के फैन तो ऑब्वियसली खुशी होंगे। भाई अगर आपको नहीं पता तो शील्ड के पूरे 10 साल सेलिब्रेट कर रही थी डब्ल्यूडब्ल्यूई, और 10 साल पूरे डेब्यू के हो चुका है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर शील्ड को। और एक फोटो भी बहुत ज्यादा वायरल होता है जिसमें यह दिखाया जा रहा था कि देखो आज शील्ड के तीनों मेंबर कहां हैं, तीनों तीन कंपनी को चला रहे हैं, यहां पर एडब्ल्यू वालों ने डीन एम्ब्रोस के हाथ से चैंपियंस बेल्ट यहां पर ले लिया। तो भाई इस पर क्या आपका रिएक्शन, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, क्या चैंपियंस बेल्ट ले जाना चाहिए था डीन एम्ब्रोस के हाथ से या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते। पर हां आज के रोमन रेंज के स्पेशल वीडियो के अंदर मैं शील्ड वगैरह का भी डिस्कस वगैरह करूंगा, तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा। जो लोग चैनल पर नए हो सारे लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस बार का स्मैकडाउन में हुआ बाउच के बारे में, जो कि काफी बड़ा नहीं था, पर हां फैंस ने इसे नोटिस कर लिया। आपने देखा होगा मेन इवेंट के अंदर ड्रू मैकइंटायर किक कर रहे थे सोलो सिकोवा के रिंग के साइड के ऊपर, और तभी वहां पर रोमन रेंज का थीम सॉन्ग प्ले होता है, रोमन रेंज पर वहां पर आते हुए नहीं दिखते। यहां पर ड्रू मैकइंटायर को रिएक्शन एक्चुअली में देना था, तो सोलो सिकोवा से ये पूछते हैं क्या वो आ गया क्या वो आ, और यही चीज माइक के अंदर कैप्चर हो गई जो कि फैंस ने नोटिस कर लिया। अब देखो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, क्योंकि एक्चुअली सुपरस्टार को रिएक्ट करना होता जब कोई भी रेसलर वापस आता है या फिर इंटरेस्ट करता है। हां ये नोटिस हो गया, कि आपने नोटिस किया था कमेंट सेक्शन में सारे लोग जरूर बताएगा इस बात। तो हम चलते हैं आज के अपने फाइनल स्टोरी की तरफ, जो कि जो है द वाइपर रैंडी ऑर्टन के बारे में। तो मैंने वैसे वीडियो का स्टार्टिंग में आपको बताया था कि शायद रैंडी ऑर्टन अब आरके मूव का यूज नहीं कर सकते फ्यूचर के। देखिए मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूं, सबसे पहले ये मैं बताता हूं आरके और डब्ल्यूडब्ल्यूई का सबसे ज्यादा फेवरेट मूव है, ये बात तो आप सबको पता होगा। और साथ ही साथ आरके मूव को रैंडी ऑर्टन पिछले 20 साल से यूज करते हुए आ रहे हैं। आपने देखो जब आरके लगाते हैं रैंडी ऑर्टन, तो उनका बैक भी मैट के ऊपर टच होता है, जिससे उनको भी हर्ट होता है, जिसके कारण अभी वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से ऑफ है, क्योंकि उनको बैक का इंजरी करवाना पड़ रहा है इसी के कारण। तो अभी जो रिसेंट रिपोर्टिंग करके सामने उसके अकॉर्डिंग शायद अब रैंडी ऑर्टन आरके मूव का फ्यूचर के अंदर यूज नहीं करेंगे या फिर बहुत कम यूज करेंगे। पर सवाल आती है आखिर उसके जगह पर कौन
कौन सा मूव का यूज करेंगे रैंडी। तो भाई चिंता मत करो क्योंकि रैंडी ऑर्टन अपना पुराना वाला मूव का यूज करने वाले जिनका नाम है पंट किक। अगर आपको नहीं पता तो ये मूव WWE के अंदर एक टाइम पर बैन था जब इनिशियल टाइम में रैंडी ऑर्टन यूज करते थे, क्योंकि इस मूव के अंदर बहुत जोर से रैंडी ऑर्टन हिट करते थे अगले रेसलर के फेस के ऊपर। शायद रैंडी ऑर्टन अब जब से WWE के अंदर जब भी रिटर्न करेंगे तो शायद वो पंट किक का यूज ज्यादातर करने वाले हैं। वैसे आपको कौन सा रैंडी ऑर्टन का मूव पसंद है, पंट किक या फिर आरके, कमेंट से उन्हें सारे लोग जरूर बताइएगा। आज जो मैं शाम को स्पेशल वीडियो लाने वाला बहुत सारे चीजों को डिस्कस करना उस वीडियो के अंदर, सारे लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल से याद। और इससे पहले भी आप लोग जो लोग रेसलमेनिया वाला वीडियो नहीं देखे जिसमें रेसलमेनिया के सारे मैचेस के बारे में आपको बताया कौन सा मैच होने वाला, तो वो वीडियो जरूर जाके देखिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दिएगा। सब लोग मिलते हैं आपसे कल के वीडियो के अंदर।